जय हिंद सभी साथियों को, क्यूक आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्लास फोर है, थ्री तक हो चुका था और एंटोनिम सिनोनिम से भी हो गया था। ठीक है, तो जो साथी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस सारे वीडियो को, तो आप ज़रूर देखें क्योंकि आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास फोर है, इसमें देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या नेवी की कर रहे हो या SSC RPF जिस की भी एग्ज़ाम कर रहे हो, जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि हर एक पेपर्स में 2 से 3 या एंटोनिम्स हो या सिनोनिम्स हो या वन वर्ड हो या इडियम्स फ्रेज हो, तो ऐसा क्वेश्चन जो है सो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं या करवा रहे हैं आपको, सो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे लास्ट तक देखिएगा कि इसमें हम आपको लगभग 15 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं या हमारे सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, या फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या टेलीग्राम हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ सबसे नीचे जाइएगा, उसका लिंक सारे का दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे देखिए क्या फ़ायदा है फेसबुक और इंस्टाग्राम जुड़ने से, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हम वहीं पहले अपलोड करते हैं। अगर कोई भी नेवी के या फिर एयरफोर्स का या किसी भी चीज़ का कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, हम सबसे पहले वहाँ अपलोड करते हैं। तो आप लोग उसे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि इसका PDF हम सिर्फ वहीं डालते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि वन वर्ड, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसका देखिए, इसका जो आंसर है सो क्या होगा, तो अल्ट्रिस्ट होगा। अब देखिए, इसको देख लेते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। तो अल्ट्रिस्ट का हिंदी होता है परोपकारी। क्या होगा साथियों? परोपकारी। देखिए, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द फॉर द अदर्स। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि वह जो दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए जीता है या दूसरों के लिए काम करता है। सपोज कि कोई अच्छा काम हो, कोई अगर मान लीजिए कि रास्ता में कोई अगर पीड़ित हो, उसको उसको हेल्प किया, ठीक है, तो हेल्प किया तो उसका क्या किया, परोपकार किया। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मतलब यही हो जाएगा कि वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर फॉर अदर्स, अदर्स के लिए वो जो है सो वर्क्स कर रहा है, रह रहा है, ठीक है, तो उसे ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं, जिसे हम परोपकार कहेंगे हिंदी में। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो लैकिंग प्रोफेशनल स्किल फॉर एक्सपर्टीज, इसका जो आंसर है सो क्या होगा, एमेच्योर होगा। हिंदी इसका क्या होगा, तो गैर पेशेवर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर वन कंट्री टू अनदर। इसका मतलब क्या होगा कि एम्बेसडर होगा। एम्बेसडर का हिंदी क्या होता है, तो आपका हो जाएगा राजदूत। देखिए, वह डिप्लोमेटिक मतलब आपका देखिए यहाँ हो जाता है कि कोई सरकारी दस्तावेज या सरकारी बैग आपका हो जाएगा, तो वह सरकारी बैग या फिर इसको कहते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जो एक देश से दूसरे देश जाता है, एक देश से दूसरे देश जाता है, उसे हम एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहले के ज़माने में अगर बात किया जाए तो राजा महाराजाओं के द्वारा राजदूत भेजा जाता था। ठीक है, तो अब आज के डेट में जो है सो जो विदेश मंत्री है वही ये राजदूत बनकर ये एक काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। इसका जो आंसर है सो क्या होगा, तो एम्बिडेक्सर होगा। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं कि दोनों हाथ से निपुण। ठीक है, तो दोनों हाथ से निपुण के मतलब जैसे कि हो गया कि दोनों हाथ में जैसे कि बहुत ज़्यादा खुशी, अगर आपको किया जाए इसका हिंदी, या तो इसको दोनों हाथ में निपुण है, दोनों हाथ से निपुण है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें खुशी हो जाएगा, खुशी के सेंस में आ जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, इसका क्या होगा, तो एम्बिग्यूस होगा। एम्बिग्यूस के मीन्स क्या होता है कि अस्पष्ट या दो अर्थ वाला। ठीक है, तो अस्पष्ट होगा या दो अर्थ वाला होगा, इसे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि
पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसका जो इंग्लिश है सो एमनेसिया होगा, ठीक है, हिंदी इसका क्या होगा तो बी स्मरण होगा। देखिए लॉस ऑफ मेमोरी इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मेमोरी को लॉस होना, ठीक है, तो टोटल लॉस ऑफ मेमोरी उसे हम एमनेसिया बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम बी स्मरण बोलेंगे कि थोड़ा सा भी याद ना हो, बी स्मरण, स्मरण मिस हो जाएगा आपका कि याद करना, और बी स्मरण हो जाएगा कि थोड़ा सा भी याद ना रहना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 में है कि अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा एमनेस्टी, ठीक है, इसका हिंदी क्या देख लेते हैं तो अपराध से क्षमा, अपराध से क्षमा को हम एमनेस्टी बोलेंगे। अ जनरल पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स में आपका देखिए हो जाता है अपराधी, ठीक है, ऑफेंडर में से अपराधी होगा तो पॉलिटिकल अपराधी जो होता है उसे अगर क्षमा कर दिया जाए, ठीक है, जो राजनीतिक अपराधी होगा तो उसे हम एमनेस्टी बोलेंगे, अपराध से क्षमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल विच लिव बोथ और लैंड एंड इन वाटर, वैसे जीव या जंतु जो पानी में भी रह रहे हैं और लैंड यानी कि धरती पे भी भूमि पर भी रह रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एम्फीबिया, जिसे हिंदी में उभयचर हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा एम्फीबियन उभयचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अ डिसाइग्नेट, अ डिसाइग्नेट सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ द थिएटर, ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या होगा तो एम्फी थिएटर होगा, एम्फी थिएटर, इसका होगा रंगभूमि या अखाड़ा, इसका हिंदी देख लेते हैं, हिंदी है रंगभूमि या अखाड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस, ठीक है, तो इसका क्या होगा तो एना जो है एनागेसिया, ठीक है, तो एनालगेसिया होगा, जिसे हिंदी में अगर देख लिया जाए तो दर्द की अनुभूति न होना, ठीक है, दर्द की अनुभूति न होना यानी कि थोड़ा सा भी दर्द ना होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिंकिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, थिंकिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ द बुक, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एडेंडम, ठीक है, एडेंडम, जिसे हम हिंदी में परिशिष्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या होगा परिशिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर कंसाइडरेशन, ठीक है, एट अ मीटिंग, ठीक है, अ पब्लिक नोटिस, अगर जो पब्लिक का नोटिस किया जाता है या मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन बोलेंगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मीटिंग बुलाया जाता है, एक ऑफर दिया जाता है, ठीक है, और सभी से ग्रुप में बात किया जाता है, उसका जो अगर किसी का भी कंपनी हो या किसी का भी प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी। चलिए नेक्स्ट है कि द एक्ट ऑफ प्रो, देखिए द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाई प्लांटिंग मेनी ट्रीज, उसे हम क्या बोलेंगे तो अफोरेस्टेशन बोलेंगे, अफोरेस्टेशन बोलते हैं, चलिए, जिसे हम हिंदी में वनारोपण बोलेंगे। देखिए जब बहुत बहुत पेड़ के लिए, ठीक है, बहुत पेड़ के लिए जो प्लांटिंग किया जाता है, जो फॉरेस्टेशन किया जाता है, उसे हम अफॉरेस्टेशन बोलेंगे, जिसे हम वनारोपण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइटम फॉर बिजनेस फॉर कंसाइडरेशन, ठीक है, एट अ मीटिंग, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एजेंडा बोलते हैं, जिसे हम घोषणा पत्र बोलते हैं। देखिए कोई भी चीज़ के लिए कोई भी अगर हम उसको घोषणा करते हैं तो उसको हम पत्र पर लिखते हैं, उसे हम घोषणा पत्र बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है साथियों कि सम वन हु अटैक्स फर्स्ट, उसे हम क्या बोलेंगे तो एग्रेसर बोलेंगे, जिसे हम आक्रमणकर्ता बोलते हैं, जो आक्रमण किया, जो आक्रमण करवा रहा है उसे हम आक्रमणकर्ता बोलते हैं, जो आक्रमण किया उसे तो आक्रमणकारी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन जो आक्रमण करवाया, जैसे राजा महाराजा आक्रमण करवाया, उसे हम आक्रमणकर्ता बोलेंगे। तो सम वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहली बार आक्रमण करवाया उसे हम आक्रमणकर्ता बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम्स के लिए, अगर उसमें आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इसे आप ध्यान में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, इससे क्या होगा कि और सभी साथी को इससे फ़ायदा मिल सकेगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।